मणिपुर में 4 मई को महिलाओं को बिना कपड़ों के भीड़ के साथ सरेआम घुमाने की घटना को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसके बारे में पुलिस का मानना है कि इसी फोन का इस्तेमाल घटना का वीडियो बनाने में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की पिछले महीने हुई गुप्त मुलाकात को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि ओवल कार्यालय में बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने चीन और उसके प्रमुख शी जिनपिंग पर सबसे अधिक चर्चा की। सीमा हैदर और सचिन मीना को लेकर इन दिनों खूब हंगामा बरपा है। इनकी दोस्ती, प्यार और शादी की खबरें इन दिनों हर जगह है। इस हंगामे पर पाकिस्तानी एक्टर हुमायूं सईद ने कहा कि ये सब बकवास है। सरद पार के प्यार और शादी पर हुमायूं सईद ने कहा कि ये सब होता रहता है और कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के आर्टिस्ट तो मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति की वजह से ऐसे हालात आ जाते हैं। बॉलीवुड फिल्म मेकर रोहित शेट्टी इन दिनों टीवी के सबसे खतरनाक स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं खबर है कि डायरेक्टर ने अजय देवगन स्टारर सिंघम 3 का काम शुरू कर दिया है। उनकी इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है। रोहित शेट्टी और अजय देवगन के फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में कई बड़े रिकॉर्ड बने और टूटे। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में T20 जैसी बल्लेबाजी करके कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। इसमें सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड भी शामिल हुआ।